देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को नए साल में स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम में उनकी एंजियोप्लास्टी की जाएगी। सौरभ गांगुली को सीने में दर्द की परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया है। देखिए खास रिपोर्ट हमारे साथ। पूर्व भारतीय कप्तान को शुक्रवार रात 1 जनवरी को सीने में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद उन्होंने एहतियातन तुरंत ही अपने पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनके स्वास्थ्य में सुधार है और डॉक्टर उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली को शनिवार को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों के मुताबिक शाम में एंजियोप्लास्टी की जाएगी। सौरभ गांगुली को सीने में दर्द की परेशानी हो रही थी, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक अब उनकी हालत स्थिर है। इंडियन प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट।